जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हजारों साल पुराने रहस्य की, और ये जो रहस्य है ये खासकर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों को आप अपने जीवन में यदि अपना लेंगे और अगर इस रहस्य को आप बहुत गंभीरता से समझ लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि शायद आपकी राशि के संबंधित जो जो शिकायतें हैं, जो जो परेशानी है, उसका आपको हल स्वयं मिल जाएगा। तो वो क्या रहस्य है, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे रत्नों के लिए कहते हैं कि पंडित जी, हम कौन सा रत्न पहने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जीवन में बहुत सी तकलीफें हैं, बहुत सी परेशानी है जो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। बहुत से कहते हैं हमें एक अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, एक व्यापार नहीं मिल रहा, अच्छा व्यापार नहीं चल रहा, चीज़ें पहले चल रही थी अब नहीं चल रही है। मतलब जो भी शिकायतें हैं हमारे पर्सनल लाइफ में, जो हमारी पर्सनल लाइफ में कई सारी शिकायतें हैं, वो बहुत बड़ा एक दायरा होता है। उन सभी जितनी सारी परेशानियां हैं ना, उन परेशानियों का हल है ये रहस्य। मतलब उन परेशानियों को परेशानियों से बहुत आसानी से और बहुत सरलता से बाहर आ सकते हैं। हवाएं थोड़ी तेज चल रही है, लेकिन इन हवाओं का भी आप आनंद लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा को हम आगे ले जाएं, उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, भोलेनाथ का कोई भी एक नाम लिखे। और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हो, उसका फीस लागू है। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहला जो रहस्यात्मक बात में एक जो टेक्निकल खामी जो हमें हमेशा आपके लिए कह देता हूँ कि हम उन जतनों पर हम जब भी हमें परेशानी आती है तभी हम ईश्वर की ओर जाते हैं, जब भी हमें तकलीफ आती है तब हम ईश्वर की ओर जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं 10-20% जो हमेशा सामान्य रहते हैं कि चाहे दुख हो सुख हो उन्हें भगवान का स्मरण और जप करना है। ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ ही हमारा है, ईश्वर का नाम और भगवान का जप करना। तो वो जो रहस्य है, जो इस दुनिया का सबसे गंभीर रहस्य है, वो है आपका जप। अब यहाँ से वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि जप सुन लिया मतलब आप वो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। होता ऐसा है कि हम कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी चीज़ करते हैं, वो हम एक श्रद्धा और भावपूर्वक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो समय जब होता है तब हम पूरा जो समय 2 घंटे 3 घंटे जो हमारे समय पूजा का होता है, वो हम पूरा ईश्वर को डेडिकेट होते हैं और उसी का परिणाम हमें मिलता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम 24 घंटे में से अगर हर घंटे में 5-5 मिनट 10 मिनट जब भी खाली टाइम मिले उसमें अगर हमारे गुरु मंत्र का जाप करें या हमारे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो आप सोच सकते हैं कि इसके परिणाम जो है वो कितने बड़े हो सकते हैं। जब आप 3 घंटे सतत एक पूजा करते हैं, उसके परिणाम जब आपको इतने सारे दिखाई देते हैं, तो हम कंटिन्यू रोज रेगुलरली अगर उस चीज़ को करेंगे, करना क्या है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप, क्योंकि ईश्वर के जप से जितनी सारी परेशानियाँ, जितनी सारी तकलीफें हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ दूसरी बात है कि हमारे अंदर एक अलग सा विल पावर होता है, हमारे अंदर सकारात्मकता होती है, हमें अच्छे और बुरे की समझ होती है, और हमें जीवन में जो हमारे फैसले होते हैं वो कभी भी ईश्वर हमें गलत नहीं लेने देता है। ये इसके फ़ायदे हैं। तो हजारों साल पुराना रहस्य है जप। ऋषि मुनि और जितने सारे लोगों ने जो तप किया है, जप किया, उसमें केवल मंत्रों का जप किया है, उन्होंने मन के अंदर, मुंह से बाहर नहीं आना है, मन के अंदर होना चाहिए, वो जाप करा है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, या ओम का मंत्र हो। दोस्तों, आप सिर्फ 8 दिन करें, मैं गारंटी आपसे ले रहा हूँ कि आप कोई भी मंत्र ले, 8 दिन कंटिन्यू ईमानदारी से जाप करें, उसके बाद जो परिणाम होंगे शायद आप अपने जीवन भर समझ भी नहीं पाएंगे कि इतने गजब परिणाम इस चीज़ों के मिलते हैं। ये बात मैंने भी प्रैक्टिकल की है, इसलिए मैं ये खुले तौर पर आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा आप रत्नों में मत उलझिए, इसके अलावा आप अन्य किसी भी चीज़ में मत उलझिए, कोई तांत्रिक या कोई बाबा या कोई टोना टोटका करने वाले, ये सब लोगों में मत उलझिए, ये आपका वक्त, धन और हमारा मेंटल हरासमेंट करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। जो कुछ है ईश्वर का जप, सकारात्मक वेद और पुराण के जो हमारी चीज़ें हैं उनको सकारात्मक वे में फॉलो करना सही है।